राजधानी भोपाल में हुए अग्निकांड पर अपडेट। भोपाल में वल्लभ भवन में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। आपको बता दें, आपसे थोड़ी देर पहले वल्लभ भवन में भीषण आग लग गई थी, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, लेकिन राहत की बात है कि आग पर काबू पाए जाने की खबर सामने आ रही है। वल्लभ भवन के थर्ड फ्लोर पर आग लग गई थी और हादसे में सरकारी दस्तावेज जलकर खाक हो गए हैं। हालांकि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जांच के आदेश दे दिए, क्योंकि पहली बार नहीं है जब वल्लभ भवन में आग की इस तरह की घटना सामने आई हो, और ऐसे में लगातार उठ रहे सवालों के बीच जांच का आदेश दिया है, ये सुनिश्चित कराने को कहा है मुख्यमंत्री ने कि दोबारा ऐसी घटना ना हो। लेकिन फिलहाल राहत की बात यह है कि वल्लभ भवन में लगी आग को काबू में पा लिया गया है। आग का तांडव ऐसा था जिसे देखकर सबके होश फाख्ता हो गए कि आखिर इस आग को काबू में कैसे किया जाएगा। सरकारी बिल्डिंग थी, ऑफिसेज थे, दस्तावेज थे और काफी नुकसान की आशंका जताई जा रही थी। 5 लोगों के फंसे होने की भी बात कही जा रही थी। तो बड़ी खबर इस वक्त मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से। आपको बता दें, वल्लभ भवन की पुरानी इमारत में थर्ड फ्लोर पर आग भड़क उठी थी। आग की वजह साफ नहीं हो पाई है, लेकिन जांच का आदेश दे दिया गया है और गनीमत इस बात की है कि जो अपडेट्स आ रहे हैं वो राहत वाली खबर जो है वो ला रहे हैं कि अब काबू आग पर पा लिया गया है। फायर ब्रिगेड की टीमें जो हैं वो घंटों मशक्कत में लगी हुई थी और आखिरकार आग की लपटों को काबू में कर लिया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त भोपाल से, वल्लभ भवन में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। लेकिन तस्वीरें बेहद डरावनी थी, जिस तरह से धुएं का काला गुबार उठता दिख रहा था बिल्डिंग से, लग रहा था कि मानो पूरी बिल्डिंग जलकर खाक हो जाएगी और काफी मशक्कत फायर ब्रिगेड को इस आग को काबू में करने के लिए करना पड़ा। सीधा आपको भोपाल लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी मकरंद काले पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। मकरंद, क्या अपडेट्स? देखिए, मैं अभी वल्लभ भवन के नीचे ही मौजूद हूं और यहां पर पुलिस प्रशासन ने आगे जाने से रोका हुआ है। सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहां पर अभी भी आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। आग पर जो एक हिस्सा था वल्लभ भवन की 5वीं मंजिल के ऊपर जहां पर आग लगी थी, वहां पर तो आग पर काबू पा लिया है, लेकिन उसका जो दूसरा सेक्शन है आगे थोड़ी सी दूरी पर, उसमें अभी तक आग अभी बरकरार है और वो आग थोड़ी थोड़ी दूरी पर फैलती भी जा रही है और वहां पर पहुंचने जरूर फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को, अधिकारियों को समस्या आ रही है। तो मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि आग पर काबू तो पा लिया है, लेकिन पूरी तरह से नहीं पाया गया है। थोड़ा सा हिस्सा अभी तक बाकी है जिस पर काबू पाया जाना है और फायर ब्रिगेड के जो अधिकारी हैं वो आपको नजर भी आ रहे होंगे, पूरी मशक्कत से इस आग पर काबू पाने की कोशिशें कर रहे हैं। नई बिल्डिंग की तरफ का जो हिस्सा है वहां पर अभी भी थोड़ी बहुत आग बाकी है जिसको बुझाने के प्रयास चल रहे हैं। मैं जानकारी के लिए बता दूं कि जून महीने में ही ठीक सामने की तरफ एक बिल्डिंग है जिसको हम सतपुड़ा भवन कहते हैं, और ये बिल्डिंग मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा। ये वो बिल्डिंग है जो जून में ही जलकर खाक हुई है, 3 मंजिल। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये आपको काला काला जो इमारत का एक हिस्सा नजर आ रहा होगा, ये 3 मंजिलें जल चुकी हैं अभी फिलहाल जून में ही। और तब ये बात कही जा रही थी कि आग पर काबू पाने के जो प्रयास है वो और बेहतर किए जाएंगे, और ये देखिए उसका हश्र सामने कि सतपुड़ा तो छोड़िए, वल्लभ भवन तक सुरक्षित नहीं है। वल्लभ भवन की 5वीं मंजिल पर जो फाइलें रखी हुई थी वो पूरी जलकर खाक हो गई। आपको वल्लभ भवन की आग को बुझाने के लिए जहां पर मुख्यमंत्री से लेकर तमाम वरिष्ठ विभागों के मंत्रियों से लेकर वरिष्ठ अधिकारियों, चीफ सेक्रेटरी से लेकर तमाम लोग बैठते हैं, वहां पर अब आप काबू पर नहीं पा रहे आग को, तो फिर आप बाकी बिल्डिंग्स की और बाकी इमारतों की सुरक्षा का दावा कैसे करते हैं? तो ये वो तस्वीर है जो कलई खोल रही है प्रशासन की। अब आप पूरा का पूरा अमला रायसेन, एयरपोर्ट, बैरागढ़, सीहोर और यहां पर जितने भी फायर स्टेशन है सबकी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहां पर पहुंच चुकी हैं और आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए आर्मी की गाड़ी आई, देखिए तस्वीरें मैं दिखाना चाह रहा हूं आपको, आर्मी की गाड़ी आई है और अब फायर को बुझाने के लिए, इस आग को बुझाने के लिए आर्मी से भी मदद ली गई है और वहां के फायर स्टेशन से भी अब गाड़ी यहां पर आ गई है और अब आग बुझाने की कोशिश जो है वो आर्मी की तरफ से की जाएंगी। देखिए आर्मी की गाड़ी आपको नजर आ रही होगी, द्रोणाचल से फायर ब्रिगेड के बाद अब आर्मी भी पहुंच गई यहां पर आग बुझाने के लिए। तो अब तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही है, तस्वीरें बिल्कुल, और देखिए आग क्या इतनी ज्यादा भीषण हो गई थी कि आप बता रहे हैं आसपास के सभी जिलों से फायर ब्रिगेड जो है वो लगी हुई है मशक्कत में, अब सेना की गाड़ियां भी आ गई है। क्या हालात इतने ज्यादा अंदर के भीषण हो गए और 5 लोग जो बचे थे उनका कोई अपडेट अब तक? मकरंद,
देखिए पुलिस ये कह रही है कि ये दावा जरूर उनको किया गया था कर्मचारी नेता के द्वारा कि 5 लोग फंसे हैं, लेकिन अभी तक किसी का परिवार या कोई भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन उनके पास किसी के फंसे होने की नहीं है। कुछ लोग थे जो वक्त रहते बाहर निकल गए, इसीलिए अभी फिलहाल कोई फंसा हुआ है इसको लेकर के आधिकारिक पुष्टि नहीं है। एक बार फिर तस्वीरें दिखाते हैं ऊपर, जो तस्वीरें यहाँ की असलियत बता रही है। असलियत जो है कि फायर एक्सटिंग्विशर्स नहीं थे, इंतजाम नहीं थे, शॉर्ट सर्किट से आग लगी, किसी की लापरवाही से आग लगी, या फिर सूरज की तेज रोशनी तेज गर्मी से आग लगी। कोई अभी तक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है क्योंकि कोई प्रशासन का अधिकारी बात नहीं कर रहा। हाँ ये जरूर है कि सुरक्षा अधिकारी जो है वो ऊपर पहुंच चुके हैं और अब ऊपर से ही अंदर जाकर आग बुझाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि रास्ता चूंकि ब्लॉक था धुएं की वजह से, तो ये अच्छी खबर है कि वो रास्ता जो है वो ओपन है और अब सुरक्षा कर्मी जो है ऊपर तक तो पहुंच गए हैं और आग बुझाने की कोशिशें केवल बाहर से नहीं बल्कि अंदर से भी। मंत्रालय जैसे सेफ जोन में, सेफ बिल्डिंग्स में अगर अग्निकांड हो जाता है और आग को काबू में पाना भी इतना मुश्किल हो जाता है तो कई सवाल ऐसी घटनाएं यहाँ पर उठा देती है और इस पर नजर बनाए रखेगा मकरंद।